अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था दैट वाज अबाउट प्यूरिफिकेशन की उससे पहले था हमारा प्रेपरेशन। जब आपने कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया था तो नेक्स्ट स्टेप प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव किया था विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस, इलेक्ट्रो डायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमें ये देखना है कि जो आपने ये कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं, प्यूरिफाई भी किए हैं, इस सॉल्यूशन की अब प्रॉपर्टीज देखनी है आपको। दैट मींस कोलाइडस की प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। देख लीजिए, पहली प्रॉपर्टी जो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं हिटेरोजीनियस नेचर। क्या बोलते हैं? हिटेरोजीनियस नेचर, हिटेरोजीनियस नेचर। ठीक है, हिटेरोजीनियस नेचर देख लीजिए यहां पे। ये हिटेरोजीनियस, हिटेरियो कहां से निकला है हमारा? इट मींस डिफरेंट, इट मींस डिफरेंट। अब क्या डिफरेंट है यहां पे? आपको पता है अगर आप ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, अगर आप ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, उस वक्त हमने बोला था इट इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, हाँ, कोलाइडस की बात करोगे तो कोलाइडस में बोला था इट इज मेड अप ऑफ डिस्पर्सड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, ये तो पता है हमें। ठीक, ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है? हम ये बोलते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन जो है इट इज होमोजीनियस, इट इज होमोजीनियस। क्या होमोजीनियस? दैट मींस अगर आपने इस कंटेनर में ट्रू सॉल्यूशन रखा है, अगर आप किसी भी डायरेक्शन में देखने की कोशिश कर रहे हो, आपको क्या लगता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको लगती है। क्या? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दैट मींस डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सीन। हमें दोनों पार्टिकल्स एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। जिस डायरेक्शन में भी देखोगे आपको सेम कंपोजिशन दिखती है और उसको आप बोलते हो होमोजीनियस का कंपोजिशन, या इसको बोलोगे आप होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक, अब अगर यहां पर देखोगे आप, कोलाइडस की बात कर रहे हैं हम, अगर इस कोलाइडस को आप किसी कंटेनर में ले रहे हो तो यहां पे देख लीजिए क्या होता है। अगर आप इसको नेकड आई से देखने की कोशिश कर रहे हो, अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हो, ये क्या है? ये अपनी आंखों से भी आपको होमोजीनियस दिखता है, एज वेल एज अंडर माइक्रोस्कोप भी क्या है ये, इट इज होमोजीनियस। ठीक, लेकिन यहां पे देखोगे तो नेकड आई से आपको लगता है कि जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है इट इज यूनिफॉर्म इन नेचर। यूनिफॉर्म मींस इट इज होमोजीनियस, आपको सिर्फ एक फेज दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इसी कोलाइड को अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन कर रहे हो तो उस वक्त आपको टू डिफरेंट फेजेस दिखाई दे रहे हैं। दैट मींस इट इज व्हाट? इट इज हिटेरोजीनियस इन नेचर, इट इज हिटेरोजीनियस इन नेचर। ठीक है, फिर एक बात बोल रहे हैं, हिटेरोजीनियस नेचर मींस, हिटेरोजीनियस नेचर मींस कोलाइडल सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हिटेरोजीनियस। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर व्हाट? दे आर हिटेरोजीनियस। दैट मींस टू डिस्टिंक्ट फेसेस आर सीन, बट वेयर? अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप। अगर आप इसको नेकड आई से देखने की कोशिश करोगे उस वक्त आपको ये क्या लगेगा? ये आपको होमोजीनियस लगेगा। बट अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर इसको देख रहे हो, ये आपको लगेगा उस वक्त कि ये हिटेरोजीनियस है। अगर एग्जांपल में दे दूं, फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क को अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हो आपको ये क्या लग रहा है? ये होमोजीनियस लग रहा है। बट अगर आप इसी मिल्क को अंडर माइक्रोस्कोप देख रहे हो, डिस्टिंक्ट लेयर्स आर सीन, दैट मींस अंडर माइक्रोस्कोप इट इज हिटेरोजीनियस, इट इज व्हाट? इट इज हिटेरोजीनियस। ठीक, दैट मींस जो पहली प्रॉपर्टी है आपकी कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए, आपको क्या याद रखना है? कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हिटेरोजीनियस अंडर माइक्रोस्कोप एंड
homogeneous when seen with what? When seen with naked eye. When seen with naked eye. ठीक है, अब दूसरी बात यहां पे, दूसरी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी देख रहे हो आप? कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी देख रहे हो। देख लीजिए, दूसरी प्रॉपर्टी हम यहां करेंगे नॉन सेटिंग नेचर, नॉन सेटिंग नेचर। ठीक है, ये नॉन सेटिंग मतलब है क्या? इसका मतलब ये हुआ, कोलाइडल पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड डज नॉट सेटल डाउन, डज नॉट सेटल डाउन। ठीक है, देख लीजिए क्या बोल रहे हैं हम। अगर फिर एक बार मैं यहां पे कंटेनर ले लूं, क्या ले लूं यहां पे? कंटेनर एक ले लूं, ये हम इसके बाद भी देख लेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये इसके बॉटम पे सेटल नहीं होते, इसके बॉटम पे सेटल नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन ए zigzag fashion। ये मोमेंट क्यों हो रहा है यहां पे? इट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजंस, और यू कैन से इंक्रीज इन ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हम क्या पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मोमेंट में। आगे जब हम ब्राउनियन मोमेंट उठाएंगे उसमें अच्छे से पढ़ लेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि जो आपके लिए पार्टिकल्स है कोलाइडल सॉल्यूशन के, ये बॉटम पे सेटल नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूअसली किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है डज नॉट इफेक्ट देम, ये इसको इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, एंड नंबर सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी जो यहां पे है हमारी, दैट इज फिल्ट्रेबिलिटी। देख लीजिए ये फिल्ट्रेबिलिटी क्या है हमारी यहां पे। इस फिल्ट्रेबिलिटी में आपको क्या देखना है? देख लीजिए क्या देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा था कि जब आप प्यूरिफिकेशन कर रहे थे, किसकी प्यूरिफिकेशन कर रहे थे आप? कोलाइड्स की। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या बोला था उस वक्त? हमने उस वक्त यह बोला था कि आपको एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट इसमें से रिमूव करना है। ठीक है, तो प्योर कोलाइड आपको बनाना है, प्यूरिफिकेशन उसी को हम बोलते थे। लेकिन फिल्ट्रेबिलिटी कहां से निकल गया है? ये निकल गया है वर्ड फिल्ट्रेशन से। कहां से निकल गया है? फिल्ट्रेशन से। इसके लिए हमने सिंपल सा एक एग्जांपल दी थी, जो आप अपने घरों में भी कर रहे हो या लेबोरेटरी में कर रहे हो। यहां पे आप फनल डाल रहे हो, इस पे आप फिल्टर पेपर डाल रहे हो, यहां पे आप ये इंप्योर कोलाइडल सॉल्यूशन डाल लीजिए, इसमें जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट होगा दैट इज क्रिस्टलाइट इन नेचर। ठीक है, इस तरह हम करना चाहते थे कि हम फिल्ट्रेशन करें। लेकिन इसमें अगर आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हो, क्या हो? ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो होता है, इसके पोर्स बड़े होते हैं, इसके पोर साइज जो होता है दैट इज बिग। अब देख लीजिए, आपने कोलाइड प्लस इलेक्ट्रोलाइट यहां पे डाला था, या आप बोल सकते हो आपने कोलाइड डाला था प्लस इसमें क्रिस्टलाइट था। क्रिस्टलाइट तो पता ही आपको क्या, इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन पोर्स इतने बड़े हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स भी आ जाते हैं बाहर एंड क्रिस्टलाइट भी आ जाते हैं बाहर। क्या आपने फिल्ट्रेशन की? नो, दैट मींस नो फिल्ट्रेशन। यहां पे आपने फिल्ट्रेशन नहीं की, यहां पे आपने प्यूरिफिकेशन नहीं की। तो फिर क्या लिखोगे आप यहां पे फिल्ट्रेबिलिटी में? आप लिखोगे कोलाइड्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड विथ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, विथ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से कोलाइड्स को प्यूरिफाई नहीं कर सकते, इनकी फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पोर साइज बहुत ज्यादा है। अब आपने और एक टेक्निक पढ़ी थी प्यूरिफिकेशन में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें आप क्या कर रहे थे? आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर को ले रहे थे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या है? इनके साइज, कौन सा साइज? पोर साइज आपने डिक्रीज किया था। कैसे? आपने इसको जिलेटिन में सोक किया था एंड फॉर्मल्डिहाइड में हॉट बनाया था। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में। ठीक है, उस वक्त जो आपका फिल्टर पेपर बन गया था उसको आपने बोला था इट इज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर हो क्या गया? इसमें पोर साइज जो है वो हो गए हैं डिक्रीज।
अब क्या हो जाएगा अगर आप थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करोगे, सिर्फ ये क्रिस्टलॉइड पार्ट नीचे आएगा एंड कोलाइड रहेगा आपका ऊपर, यहां पे हो जाएगी फिल्ट्रेशन। क्या हो जाएगी फिल्ट्रेशन, दैट मींस दे आर फिल्टर्ड बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स। ये आपने प्यूरिफिकेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। अब जो थी टिंड वाले इफेक्ट पढ़ लेते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी टिंड वाले इफेक्ट, ठीक है। देख लीजिए हम यहां पे क्या करने वाले हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर इसकी डेफिनेशन दे देते हैं। हम यहां पे क्या करते हैं, एक कंटेनर एक गिलास ले लेते हैं हम, इस गिलास में आप ट्रू सॉल्यूशन को रखो, ठीक, ट्रू सॉल्यूशन को रखा यहां पे आपने, हम यहां पे लिख लीजिए ट्रू सॉल्यूशन, ठीक। एंड यहां पे आप ऐसा ही एक कंटेनर लीजिए, इसमें आप कोलाइड को रख लीजिए, इसी कोलाइड सॉल्यूशन को रख लीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दैट मींस टू सी दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू यूज व्हाट, यू हैव टू यूज लाइट। हम यहां पे एक लाइट सोर्स रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल टॉर्च, और यहां से क्या हो रहा है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, ठीक। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू पास लाइट थ्रू ट्रू सॉल्यूशन से आप लाइट को पास करने की कोशिश कर रहे हो, लाइट पास हो रही है, ठीक। बट क्या आपको इस गिलास में पार्ट ऑफ द लाइट विजिबल दिखती है, क्या आपको लगता है कि इस लाइट में कहां कहां से यह इस ग्लास में लाइट निकलती है, उसका कोई पार्ट आपको विजिबल दिखती है, नहीं दिखती है। दैट मींस व्हेनेवर लाइट इज पास्ड थ्रू ट्रू सॉल्यूशन, जब आप लाइट को ट्रू सॉल्यूशन से पास कर रहे हो, द पाथ ऑफ लाइट इन द कंटेनर इज नॉट विजिबल। ये बात समझ लीजिए आप, क्या बोल रहे हैं हम, कि जैसे ही आपने ट्रू सॉल्यूशन बनाया, फॉर एग्जांपल आपने शुगर ले लिया, इसको वाटर के साथ मिक्स करके आपने अच्छे से डिजॉल्व करके ट्रू सॉल्यूशन बना लिया, अगर आप इस वाटर के गिलास थ्रू लाइट पास कर रहे हो, लाइट पास तो होगी बट विद इन द गिलास विद इन द कंटेनर द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए आप, फॉर एग्जांपल अगर आप यही काम कहां से कर रहे हो, ये काम आप कर रहे हो थ्रू क्या, थ्रू कोलाइड्स, लाइट तो पास हो रही है एंड साथ साथ यहां पे क्या हो रहा है, द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सेमी डार्कड रूम, फिर आप एक विंडो खोल के वहां से लाइट इंसर्ट कर रहे हो इस रूम में, आप देखोगे डस्ट पार्टिकल्स इन द लाइट, दैट मींस पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल देयर, पाथ ऑफ लाइट इज व्हाट, इट इज विजिबल देयर। देख लीजिए डिफरेंस क्या देख लिया हमने, हमने यहां पे ये डिफरेंस देख ली। टिंडल इफेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने बोला इसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग लाइट हियर। आपने लाइट को पास करने की कोशिश की, पहले ट्रू सॉल्यूशन से लाइट पास तो हो गई, बट द पाथ ऑफ लाइट इनसाइड द ग्लास इज नॉट विजिबल, बट इन केस ऑफ कोलाइड्स द पाथ ऑफ लाइट इनसाइड द ग्लास और इनसाइड द कंटेनर जस्ट लाइक सेमी डार्क रूम इज विजिबल, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट बिकॉज इट वॉज सीन इन डिटेल बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड टिंडल। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, कि जो ये टिंडल इफेक्ट है, इसका नाम टिंडल इफेक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि इन पहले तो फैराडे ने देख लिया था, लेकिन इन डिटेल इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज डन बाय व्हाट, दैट इज डन बाय टिंडल, दैट इज डन बाय टिंडल, ठीक है। लेकिन यहां पे आप मुझे बोलिए कि यहां इसने क्यों नहीं दिखाया टिंडल इफेक्ट, इसने टिंडल इफेक्ट क्यों दिखाया, इट इज बिकॉज ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, it is because of what, it is because of size of particles, since in case of true solutions
size of particles is small. पता है आपको 10^10 3 से कम है ये, ठीक है। हाँ, यहां पे साइज ऑफ पार्टिकल 10^3 टू 10^5 इसके दरमियान है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है पार्टिकल का, यहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। क्या होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक्चुअली व्हाट इज दिस टिंडाल इफेक्ट? दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की है? पार्टिकल्स ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की है, विच इज पॉसिबल इन कोलाइड्स बिकॉज ऑफ दियर बिग साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड विच इज इम्पॉसिबल इन ट्रू सॉल्यूशंस बिकॉज दे दियर द पार्टिकल्स आर लेस इन साइज, लेस इन साइज। आप यहां पे देख लीजिए, अगर आप यहां पे देख लोगे, जो ये पाथ ऑफ द लाइट यहां पे विजिबल हो गई, इट्स इन द फॉर्म ऑफ कून। अब इसको क्या बोलोगे आप? दिस पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडाल कून। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको आप टिंडाल कून बोल सकते हो, टिंडाल कून बोल सकती हो। अब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे व्हेनेवर द लाइट इज पास्ड थ्रू द कोलाइड्स द लाइट गेट स्कैटर्ड बाय विच द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। दिस इफेक्ट वाज सीन बाय व्हाट? दिस इफेक्ट वाज सीन बाय टिंडाल एंड दैट इट इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट, इट्स कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। अब और एक प्रॉपर्टी हम देख लेंगे यहां पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है क्या? यहां पे देख लेते हैं, नंबर 5 ब्राउनियन मोमेंट। ये दो जो नंबर 4th एंड 5th है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 12th क्लास के लिए, एंड इट्स आल्सो कॉल्ड द मैकेनिकल मोमेंट, ठीक है। देख लीजिए रॉबर्ट ब्राउन, एक बॉटनिस्ट एक्चुअली था। इसने देख लिया कि जब आप पोलन ग्रीन्स को, पोलन ग्रीन्स आपको पता होगे बायोलॉजी में, जब आप इसको सस्पेंड कर रहे हो, इमर्स कर रहे हो वाटर में, किसमें? वाटर में, वाटर में इसको सस्पेंड कर रहे हो, ये जो पोलन ग्रीन्स है ये बॉटम पे सेटल नहीं होते, इनफैक्ट दे आर मूविंग रैंडम, दे आर मूविंग रैंडम। किनकी बात हो रही है? ये बायोलॉजी की बात हो रही है, बॉटनी की। जब आप पोलन ग्रीन्स को वाटर में इंसर्ट कर रहे हो, इमर्स कर रहे हो, ये पोलन ग्रीन्स बॉटम पे सेटल नहीं हो रहे, इनफैक्ट ये क्या कर रहे हैं? दे आर मूविंग रैंडम, दे आर मूविंग रैंडमली। दिस मोमेंट एक्चुअली ये किसने देखा था? ब्राउनियन ने, ब्राउन ने। इसको ब्राउनियन मोमेंट बोला जाता है बायोलॉजी में, ठीक है। अब अगर यही एक्सपेरिमेंट हम अपने कोलाइड्स पे करें, कहां पे करोगे आप? कोलाइड्स पे करोगे। जैसे आपने दूसरी प्रॉपर्टी देख ली थी नॉन सेटिंग नेचर, अगर आप इस कोलाइड्स को आप कंटेनर में रख रहे हो, हमने वहां पे भी बोला कि जो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स रेस्ट पे नहीं आते हैं, दैट मींस ये कहां पे नहीं जमा होते? बॉटम पे। तो फिर क्या करते हैं? दे आर मूविंग रेंडमली, दे आर मूविंग रेंडम, ये रेंडमली मोमेंट करते हैं। जब ये रेंडमली मोमेंट करते हैं तो फिर क्या हो जाता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन पे इफेक्ट नहीं करता। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ने भी इन पे इफेक्ट नहीं किया, तब क्या हो जाता है? तब क्या हो जाता है? ये कंटिन्यूअसली मोमेंट करते हैं, एंड दैट मोमेंट इज कॉल्ड zigzag मोमेंट। दैट मोमेंट इज कॉल्ड व्हाट? zigzag मोमेंट, जस्ट लाइक दिस zigzag मोमेंट। देख लीजिए, जहां पे एक पार्टिकल के साथ टकरा के ये यहां से निकल गया वापस, zigzag मोमेंट। क्या कर रहा है ये? zigzag मोमेंट। अब बात यहां पे ये हो रही है कि जो ये zigzag मोमेंट हो रहा है इस वक्त, किसका? कोलाइड्स का। ये zigzag मोमेंट क्यों हो रहा है, या ये मोमेंट ही क्यों कर रहा है? एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ अनइक्वल, अनइक्वल कोलिजन, अनइक्वल कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स के दरमियान यहां पे क्या हो जाता है? कोलिजन हो जाता है। जब कोलिजन हो जाएगा तब ये पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको शिफ्ट कर रहा है, इसकी वजह से इसका मोमेंट हो जाएगा। अब ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है तो ये शिफ्ट इसको कर रहा है, ये भी मोमेंट में आएगा। इस तरह सारे पार्टिकल्स जो है
हमारी कोलाइड्स में सब में मूवमेंट आ जाती है। अब वो बात यहां पे है कि ज़िगज़ैग क्यों, क्योंकि यहां पे कोलिजन जो है दैट इज नॉट हेड ऑन कोलिजन, दैट इज अनइक्वल कोलिजन, तभी ये ज़िगज़ैग मोशन में चला जाता है। हाँ, अगर साइज पार्टिकल्स यहां पे इंक्रीज करोगे, द चांसेस ऑफ अनइक्वल कोलिजन डिक्रीजेस, अनइक्वल कोलिजन डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप पार्टिकल का साइज इंक्रीज करोगे, द चांसेस ऑफ अनइक्वल कोलिजन डिक्रीजेस, दैट मींस इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ सस्पेंशंस देयर इज नो अनइक्वल कोलिजन एंड दिस विल कम रेस्ट, ये रेस्ट में आ जाएगा सस्पेंशन, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल बड़े होते जाएंगे अनइक्वल कोलिजन जो है उसके चांसेस भी डिक्रीज हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, मोमेंट नहीं करेंगे पार्टिकल, जब मोमेंट नहीं करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स विल पुल देम डाउन एंड वो किस पे सेटल हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा आपके बॉटम पे, आपके कंटेनर के बॉटम पे, एंड दिस वॉज ब्राउनियन मोमेंट। अब तक हमने क्या पढ़ा, पहले हमने ये देखा कि हिटेरोजीनियस नेचर अंडर माइक्रोस्कोप, दूसरा अभी देखा कि इसके पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे नहीं आते हैं, दे डू नॉट सेटल एट द बॉटम, क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ दिस ब्राउनियन मोमेंट। अब तीसरी बात फिल्टरेबिलिटी, हमने ये भी देखा कि ये तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फिल्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते है, उससे पास दोनों हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर की बात कर रहे हो वहां से आप फिल्टर इनको फिल्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद हमने टिंडोल इफेक्ट देखा कि टिंडोल इफेक्ट क्या है एक्चुअली, किस में हो जाता है, क्यों हो जाता है, एंड फिर हमने ब्राउनियन मोमेंट की बात की, एंड लास्ट पे हम देख रहे हैं इट्स नंबर 6 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, अगर आपको याद हो दूसरा चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में है सॉल्यूशंस, उस वक्त हमने बोला था या आपके टीचर ने बोला होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या है हमारी, रिलेटिव लाउरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लाउरिंग इन वेपर प्रेशर, हां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। आपके टीचर ने आपको बताया होगा उस वक्त कि जो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार कौन से, रिलेटिव लाउरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है, ये तो हमने पढ़ा है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा अपने अपने टीचर से, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या दी थी हमने, दीज आर द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या उस वक्त हमने बोला था मोलर कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोला था हमने, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस और कोलाइड्स विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स मींस मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे जो डिपेंड करे, उनको आप बोलोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू यहां पे ज्यादा होगा कि कम होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोला आपने, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मुझे बोलिए कोलाइड्स की बात हो रही है, साइज क्या होगा पार्टिकल्स का एज कंपेयर टू ट्रॉ सॉल्यूशन, इट विल बी बिग, ठीक। जब साइज ऑफ द पार्टिकल्स बिग है यहां पे, अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम देखना चाहते हो कि कितने पार्टिकल्स है आपके, ये याद रखिए वन पार्टिकल इसका साइज बड़ा है, दैट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी स्मॉल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी लेस। क्या बोल रहा हूं मैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये डिपेंड कर रही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे या मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। अब आपको पता है कि बिग पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के, ज्यादा जगह ले रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है यहां पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर वो यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं ले रहा हूं, दिस इज ए कंटेनर, दिस इज अगेन ए कंटेनर हियर, ये ट्रू सॉल्यूशन का है, एंड दिस इज कोलाइड्स,
दिस इज कोलाइड्स। अब मैं इसका यूनिट वॉल्यूम यहां पे मार्क कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिस, इसका भी यूनिट वॉल्यूम मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं। हम देखना चाहेंगे कि इसमें और इसमें कितने पार्टिकल्स है। मुझे बोलिए ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या है, कम सॉरी स्मॉल, दैट मींस इतने यहां पे आ गए। अब जो कोलाइड्स है, कोलाइड्स के पार्टिकल्स तो बड़े हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया फिर, डिक्रीज। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज। दैट मींस द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स, अगर आप कोलाइड्स में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हो, इट्स वैल्यू बिकम्स लेस, इट्स वैल्यू बिकम्स कम्स आउट स्मॉल। इनका वैल्यू क्या निकल जाता है, स्मॉल एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस, एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशंस। हाँ एक बात है, अगर आप कुछ मेजरमेंट कर रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है कुछ हद तक, ये एग्जैक्ट वैल्यूज या बोलेंगे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देख सकता है, कौन ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड बाकी जो है उनके वैल्यूज बहुत कम आ जाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। नेक्स्ट टॉपिक हम कोगुलेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ रहे हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।